नमस्कार, आप देख रहे हैं P24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। 29 जून को रुद्रपुर जिला मुख्यालय के गेट पर बाल सत्याग्रह आंदोलन कर रहे बच्चों, उनके संरक्षक और समाज सेवियों को प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है। समाज सेवियों के ऊपर झूठा मुकदमा भी दर्ज किया गया है कि मजदूरों की आवाज दबाने की पूंजीपतियों प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत है। प्रशासनिक अधिकारियों को मजदूरों की आवाज उठानी चाहिए, वहीं कंपनी मालिकों की बात कर रहे हैं। इसी के संदर्भ में जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए और मजदूरों को उनका अधिकार और सैलरी दी जाए। बच्चों ने अपनी बात कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के सामने रखी और कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने पूर्ण आश्वासन दिया कि सारे परेशानियों का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। ज्ञापन देने हम इसलिए आए कि कुछ दिनों पहले जिला मुख्यालय रुद्रपुर के अंदर हम DM साहब को, जिला अधिकारी को ज्ञापन देने के लिए गए थे, मगर जिला अधिकारी ने ज्ञापन नहीं लिया और जो हमारे बच्चे थे वो बारिश में भीगते रहे। यहाँ तक कि हमने प्रशासन वालों से हाथ जोड़ के विनती करी थी कि भैया आप गेट खोल दीजिए, जो बच्चे हैं वो भीगे ना, मगर प्रशासन की जो तानाशाही रवैया था उन्होंने गेट नहीं खोला और बच्चों को भीगने दिया, महिलाओं को भीगने दिया। और हमने रिक्वेस्ट किया था कि अंदर बहुत जगह पड़ा हुआ है DM कोर्ट के अंदर, कई हॉल भी है, वहाँ बच्चों को बैठने दीजिए, मगर उन्होंने अपनी जिद पे आके बच्चों को अंदर नहीं जाने दिया, भीगने दिया। और उल्टा हम लोगों के ऊपर जो समाज सेवी बच्चों के कॉल पे हम लोग गए थे और हमें बुलाया गया था, वहाँ पर हमारे मतलब DM साहब के जो वहाँ पर उनके दो कार्य किया उन्होंने, उसके अवेलना में इन लोगों ने क्या करा कि हम लोगों के ऊपर ही मुकदमा कर दिया और बच्चों को वहाँ डराया और धमकाया गया कि आपके ऊपर मुकदमा कर दिया जाएगा, आपके ऊपर आपकी जो आपके आने वाले समय में आपकी जो जॉब है, नौकरी है, वो नहीं मिलेंगी। और कई तरीके से आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं प्रशासन के द्वारा। यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं पूंजीपतियों की मिली भगत के साथ चल रही है।